मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का ताला, मुझे फिक्र ने आलम, मुझे फिक्र ने आलम, तुझे अपनी जात का डर, मैं तनु हो रहा हूँ तू गरूब हो रहा है। इज्जत नाब आए हुए मेहमान और असातिज़े इकराम और अरबाब इल्म दानिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान मौजूदा तालीम के हालात, और हम देखा जाए एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे आपको शायद मेरी बातें गवारा ना करे, आपके कानों से फूट बहने लगे, मगर सच तो सच है, सच बयान करना मेरा हक है और मैं करूँगा। हाँ, हिंदुस्तान में 8 करोड़ 20 हजार ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, मतलब हमारा मुल्क ये ख्वाब देखता है हम सुपर पावर बनेंगे। एक मुल्क कैसे बन सकता है जहाँ के 8 करोड़ 20 हजार बच्चे स्कूल नहीं जाते, और 78 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तो जाते हैं मगर स्कूल से वापस आकर अपने लिए रोटी रोजी कमाते हैं और स्कूल की फीस भी अदा करते हैं, फिर ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आखिर कौन उठेगा इस निजाम को ठीक करने? जब भी तालीम का नाम सुनता हूँ तो जहन के अंदर ब्लैकबोर्ड आता है, तो पता चलता है हिंदुस्तान के 20,000 स्कूलों में ब्लैकबोर्ड ही नहीं है, ये कैसा निजाम है? फिर जब दोबारा तालीम का नाम सुनता हूँ तो जहन के अंदर असातिज़ा इकराम आते हैं। हमारे मुल्क के ज्यादातर असातिज़ा इकराम ऐसे हैं जिन्हें खुद तरबियत की और इस्लाह तदरीस की अशद जरूरत है, फिर ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? फिर हम कैसे सोचते हैं मुल्क की तरक्की में तालीम का किरदार? आखिर तालीम का किरदार कैसे अदा करेंगी जबकि उसकी ही खुद ब खुद हालत बिगड़ती जा रही है? एक अज़्म लेके चलना है, एक अनुमान लेके चलना है, आखिर हम लोग इन चीजों से कैसे बाहर निकलेंगे? कि एक शायर फरमाते हैं, अब तुझे किस लिए शिकवा है बच्चे घर नहीं आते, अब तुझे किस लिए शिकवा है बच्चे घर नहीं आते, जो पत्ते जर्द हो जाते हैं वो पेड़ों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं होते। हाजिरी नाजिरी, आज मेरी ये बात कहने का यही मकसद है कि हमें सिर्फ एक चीज आगे ले जा सकती है, वो है इल्म, और जैसे चाहे वो हमें हासिल करना है, जिस फील्ड में जाके हासिल करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और आज इसलिए ये प्रोग्राम मुनाकिब करवाने का पैगाम भी सिर्फ ये है कि हम लोग तालीम के रखवाले हैं, हम लोग इल्म के रखवाले हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तालीम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं सलाम पेश करूंगा उस शख्सियत को जो हर बार हर साल ये प्रोग्राम मुनाकिब कराते हैं और साबित कर देते हैं कि अभी भी हमारे दिलों में इल्म, अभी भी हमारे दिलों में इंसानियत बसती है, और हर एक इंसान इल्म सीखे इसलिए सीखे कि वो एक अच्छा इंसान बने। सलाम सलाम ऐ कौम के शहबाज, सलाम 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 ऐ कौम के शहबाज, सलाम सैफर नशी, गुफ्तार तेरा बासदा, किरदार तेरा दिल नशी। आपकी समातवा बहुत बहुत शुक्रिया।